गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, क्लास एट में और हमारे 11.4 था उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखो, जिसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 में, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। 11.4 का लास्ट क्वेश्चन 8, और यहाँ पर है कि वाटर इज प्योरिंग इन टू ए क्यूबिक क्यूबोडियल रिजर्व एट रेट ऑफ 60 पर लीटर मिनट। रेट ऑफ वाटर आपके पास कितनी है? 60 लीटर पर मिनट वाटर है, और वाटर से रिलेटेड है, तो इसमें क्या फाइंड करेंगे क्वेश्चन में हम? यहाँ वॉल्यूम, और आपको देखो क्वेश्चन में वॉल्यूम भी दिया हुआ है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्व इज 108, वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है? 108 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो थोड़ा, ये मीटर क्यूब है, ये क्या है? लीटर है। तो मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। आप फिर है कि फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक फिल टू द रिजीवर, यानी कि आपको कितने मिनट में ये, कितने होवर्स में ये भर जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? वॉल्यूम बाई रेट, रेट ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मीटर क्यूब को कन्वर्ट किस में करेंगे हम? लीटर में। लीटर में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो एक ये चलता है 1000 लीटर इन 1 मीटर क्यूब, इन 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 होता है। तो इसको हम किससे इंटू करेंगे? 1000, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 108000, और आगे क्या यूज करेंगे? लीटर। अब इनकी सेम हो जाएगी यूनिट, आप ये भी लीटर में, ये भी लीटर में। तो टाइम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम आपके पास कितना है और रेट कितनी है? 60 लीटर पर मिनट। अब जो आंसर आएंगे वो किस में आएंगे? मिनट में। ये लीटर है, ये क्या है? लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट। तो लीटर से लीटर कैंसिल होके मिनट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जीरो से जीरो, सिक्स से इसको डिवाइड कर दो, सिक्स से इसको हम डिवाइड करेंगे। सिक्स वन जा सिक्स, रिमेनिंग 4, 48 में 8 टाइम, 20 ये 20, 1800 मिनट्स। अब ये मिनट है आपके पास, तो इसको होवर में चेंज करें तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 ये होवर, क्योंकि 1 मिनट यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 1 होवर। 60 मिनट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 होवर। इस रूल का यहाँ यूज करें, 60 से यूज करें 6 से 30 होवर। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 30 होवर। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन इजी है समझने का इसमें। अब नेक्स्ट हम लेते हैं चैप्टर नंबर आपके 12, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था उसी टाइप का ये चैप्टर। 7th में भी आया था आपके पावर्स एंड एक्सपोनेंट, और अब 8th क्लास में भी आपके एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पहले तो देखो इसके रूल, आप फर्स्ट में तो देखिए इसके रूल क्या है पावर्स और एक्सपोनेंट वाले के। 12.1 बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले इसके रूल्स आप देखिए, रूल क्या है इसके। यानी जब बेस इक्वल है, बेस फर्स्ट है, बेस इफ इक्वल है ए पावर एम इंटू ए पावर है, बेस यहाँ क्या है? सेम बेस है, इक्वल बेस है, मल्टीप्लाई में है बेस, तो यहाँ पावर का क्या होगा? सम ऑफ कर ले, यानी ए पावर एम प्लस है, जैसे 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 8। तो यहाँ बेस देखो इसका इक्वल है, तो पावर का सम ऑफ यानी 5 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 3 की पावर 30। ये आंसर आपके पास आ जाए। सेकेंड रूल है ए पावर एम डिवाइड करना इसको ए पावर एन से, और इसको यूं भी लिख सकते हैं ए पावर एम
डिवाइड बाई ए पावर एन। जब पावर यहाँ से कन्वर्ट होती है तो यहाँ माइनस के साइन का यूज होता है, डिवाइड में रहती है तो माइनस ही हो जाता है, ए पावर एम माइनस एन। तो इसको भी क्या लिखेंगे, ए पावर एम माइनस एन। डिवाइड में है तो पावर को लेस कर दो, जैसे 6 की पावर 7 और 6 की पावर 2, ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगी ओनली पावर्स का, बेस सेम रहेगा। इस प्रकार की किस्मों में जो बेस है, बेस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। तो 6 पावर 7 माइनस 2, 7 में 2 को लेस कर दो 5, ये इसका आंसर आपके पास आ जाए। तो इन रूल्स को आपको याद करना है, लर्न करना है, ये रूल्स को, जो रूल्स आपके चलते जा रहे हैं। थर्ड है इसमें ए पावर एम पावर है, तो यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ए पावर एम इंटू है, 5 का क्यूब और होल स्क्वायर है, तो यहाँ ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2, और 3 को 2 से इंटू करो 5 की पावर 6, तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे, 5 एक्सपोनेंट 6। नेक्स्ट है फॉर्मूला 4, कोई भी डिजिट है उसकी पावर इफ 0 है, जिसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। जैसे 5 है 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 2 3 4 है, इसकी पावर यहाँ 0 दे दी, तो इसका आंसर आपको बिना देखे कितना लिखना है, 0। कोई माइनस में डिजिट जैसे -2 × 3 × 5, तो इसकी पावर 0 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपको जो इसके रूल है उनको याद रखना है, इन रूल्स को याद करते हुए चलना है, लर्न करना है रूल्स को, और ध्यान रखते हुए आपको चलना है रूल्स में। अब नेक्स्ट हम लेते हैं 12.1 में क्वेश्चन नंबर 5। आपकी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 पावर माइनस, और यहाँ पर इवेलुएट वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो ये पावर देखो ये माइनस में है, प्लस में पावर बनाओ, इसके अपोन में 1 ले सकते हैं, इसका क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, तो 1 पावर या प्लस में आ जाएगी 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/9, 3 स्क्वायर 9, 1 है आपके पास, तो ये इसका आंसर आपके पास है। जैसे सेकंड है -4 स्क्वायर है, माइनस पावर माइनस में, अब यहाँ पावर्स पे आपको ध्यान देना है, माइनस में है तो इसको कन्वर्ट आपको करना है, प्लस में है तो कोई कन्वर्ट इसको नहीं करना, प्लस में पावर माइनस में पावर, तो इसके अपोन में 1, तो 1/, ये तो बेस है वो माइनस में ही रहेगा, ओनली पावर का साइन चेंज होगा, और -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 × -4 +16, तो 1/16, ये इसका आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप सेल्फ कर सकते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन है वो आप सेल्फ कर सकते हैं, 1/2 है, पावर है -5, तो 2 की पावर -2 की पावर +5, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंप्लीफाई, क्वेश्चन को क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पावर्स को किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में, नेगेटिव यदि आंसर आते हैं नेगेटिव पावर्स में तो उसको पॉजिटिव में आपको कन्वर्ट करना है, पावर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट करना है। जैसे 1 है -4 पावर 5 डिवाइड बाई -4 पावर 8, अब डिवाइड में है तो इसमें कौन सा रूल यूज होगा, यहाँ आपको रूल को यूज करना पड़ेगा, रूल को लिखना भी पड़ेगा, तो रूल कौन सा लगेगा, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन, इस रूल का आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइड बाई -4 पावर 8, अब ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगी पावर, -4 5 -8, अब 5 में से आप 8 को लेस कर दो, ये आप समझ चुके होंगे, ये तो सेम क्वेश्चन था, और ये 8 है तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में, डिवाइड में है
पावर वाला कंप्लीट तो माइनस, अब एट में से फाइव को लेस करिए तो माइनस फोर एक्सपोनेंट माइनस थ्री, और इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में वन ले लो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग, तो वन बाई फोर क्यूब ये इसका आंसर आ सकता है। और इसको यू भी लिख सकते हैं वन बाई फोर का होल क्यूब, और इसको यू भी लिख सकते हैं वन बाई फोर का क्यूब होता है 64, ये भी आंसर हो सकता है। इन तीनों में से यानी आंसर आपको यहाँ राइट करना है। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है इसका वन बाई टू क्यूब और इसका होल स्क्वायर, ये पावर इनसे बोथ से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी इसके अंदर कौन सा हम यूज करेंगे ए पावर एम इज इक्वल टू एम, इसका आपको यूज करके चलना है ए पावर एम है, इस फॉर्मूले का इसमें हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, ये टू पावर इन बोथ से मल्टीप्लाई होगी तो वन स्क्वायर बाई टू, थ्री इंटू टू आ जाएगी, ये पावर टू है ये थ्री से इंटू होगी तो वन का स्क्वायर ऑलवेज वन और थ्री टू जहाँ सिक्स, तो टू एक्सपोनेंट सिक्स ये आंसर आ सकता है, या फिर वन बाई टू कंप्लीट इस पर सिक्स आप ले सकते हो क्योंकि वन की पावर सिक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी वन ही होगी, वन पावर सिक्स वैल्यू क्या होगी इसकी ऑलवेज वन ही होगी, ये आंसर आ सकता है। टू का सिक्स टाइम मल्टीप्लाई कर लो टू को, यानी टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू फाइव और सिक्स, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, थर्टी टू सिक्सटी फोर, तो वन बाई सिक्सटी फोर भी इसका आंसर आपके पास आ सकता है, यानी कोई भी पॉसिबल है आंसर वो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इन क्वेश्चनों को होमवर्क की जो नोटबुक है उसमें नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, माइनस थ्री एक्सपोनेंट फोर इंटू फाइव बाई थ्री एक्सपोनेंट है फोर। अब देखो ये फोर एक्सपोनेंट बोथ पे है, ये बोथ पे है, तो यहां से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यहां से क्या करेंगे इसको ब्रेक डाउन हम करेंगे, यानी माइनस थ्री पावर फोर इंटू फाइव फोर थ्री का। अब इसकी हम वैल्यू फाइंड करें, इसको सीधा हम कट नहीं कर सकते, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, माइनस थ्री है फोर टाइम इंटू करेंगे। अब देखो ओड और इवन का आपको ध्यान रखना है, साइन देखो कितने टाइम है, इवन टाइम है, इवन का मतलब सम, सम और विषम, ओड और इवन सम टाइम है, इवन टाइम है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस प्लस, आंसर किस में आपके पास आएगा प्लस में, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन नाइन जा एट्टी वन, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 81, प्लस 81 हो जाएगी, और प्लस 81 क्यों ही है, माइनस है और फोर एक्सपोनेंट है, यहाँ फोर एक्सपोनेंट है जो क्या है इवन है, जब इवन है एक्सपोनेंट माइनस में है बेस तो इसका आंसर क्या आता है प्लस में आता है। आपको दो ही बातें ध्यान रखनी, इवन है एक्सपोनेंट तो किसमें आंसर आएगा प्लस में, यदि ओड एक्सपोनेंट तो आंसर आएगा माइनस, दो बातें हैं क्वेश्चन में आपको ध्यान रखते हुए चलनी, प्लस 31 इंटू फाइव फोर और थ्री पावर फोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81, अब यहां से आप इनको कट कर सकते और फाइव पावर फोर ये आंसर आ सकता है, या फिर इसको अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म में आप ले सकते हो, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, फाइव फाइव जो 25 इंटू 25 यानी आंसर क्या आ जाएगा 625 आपके पास, ये आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपको इन क्वेश्चनों की करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फोर्थ, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, थ्री पावर माइनस सेवन डिवाइड थ्री पावर टेन इंटू थ्री पावर माइनस फाइव,
अब फर्स्ट में हम सॉल्यूशन किसका करेंगे, यहां से ब्रैकेट का आपको सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट में किसका सॉल्यूशन करेंगे, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ए पावर एम डिवाइड ए पावर एम इक्वल टू ए पावर एम माइनस एम, इसका हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए चले। 3 पावर माइनस 7, ये 10 प्लस में है तो माइनस 10, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 पावर माइनस 5 से। अब 10 में 7 को ऐड करेंगे, बोथ माइनस में है तो 3 एक्सपोनेंट माइनस 17 माइनस 17 इंटू 3 पावर माइनस 5। अगेन इसको अब देखो इसके अंदर कौन सा यूज करें, a पावर m इंटू ए पावर एम इक्वल टू ए पावर एम प्लस एम, इस फॉर्मूले का नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे हम। तो 17 और माइनस 5 कितने हो गए, 22, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, 3 पावर माइनस 17 प्लस माइनस 5, माइनस में पावर इसलिए माइनस का साइन यूज किया हमने, 3 पावर माइनस 17 और माइनस 5 इक्वल टू 3 पावर माइनस 22 इसके आंसर आ गए। और इसको प्लस में कन्वर्ट करें, अगेन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, प्लस में, डिवाइड में 1 ले सकते हैं, तो इसका इनवर्स हम कर देंगे 1/3 की पावर 20, यानी 3 पावर 3 एक्सपोनेंट 22 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेल्फ कर सकते हो, फिफ्थ वाला, जिसमें पावर सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, उसका बेस सेम नहीं है, तो वही आंसर आपके पास रहेंगे जो उसमें ओनली प्लस में बढ़ा के डिजिट को हम शो करेंगे, क्योंकि इनका बेस क्या इक्वल नहीं है आपके पास, इनका बेस है वो इक्वल नहीं है। 2 - 3 × - 7 × - 3। अब यहां से देखो 2³ है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2, प्लस में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, 1/-7³। अब 2³ का मतलब क्या हो गया, 1/8 × 1/7³ होता है 343। अब इसका हम इंटू करेंगे तो 1/8 = 24 + 32 + 2 + 34 + 3 = 27, ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर ये आपके पास आ जाएगा। इन क्वेश्चनों की आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क में भी इनको नोट करते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू p power 0, फर्स्ट है +4 - 1 × 2² इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब 3 power 0 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, और 4 power - 1 है तो इसको क्या राइट करेंगे, 1/4, फिर इसको इंटू करना है 2² यानी 4 से। अब इसका एलसीएम लेके एडिंग करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, 1 से डिवाइड करें 4 को 4, 4 को 1 से इंटू कर दो 4, +1 × 4। नेक्स्ट स्टेप में 4 + 1 = 5, 5/4 × 4, 4 से 4 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएंगे आपके पास, 5, इसके आंसर क्या आ जाएंगे, 5 आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड (2 power - 1 × 4 power - 1 × 2 - 2). अब यहां से इनको हम कन्वर्ट करेंगे सभी को, प्लस है जो पावर है उनमें, पॉजिटिव पावर्स में हम इनको कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, इसको क्या राइट करेंगे, इसको हम राइट कर सकते हैं 1/2, इसको राइट करेंगे 1/4, डिवाइड
इसको राइट करेंगे 2, 2। अब इसका सॉल्यूशन फर्स्ट टर्म करते हैं और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 2 स्क्वायर यानी 4, यानी 2 स्क्वायर। एक स्टेप और, 4 का N2 कैल्शियम 4, 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 बाई 4 और स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितने आ जाएंगे आपके पास 3 इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सेल्व कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन को, थर्ड वाले क्वेश्चन नंबर 4th आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है, 3 पावर माइनस 1 प्लस 4 पावर माइनस 1 प्लस 5 पावर माइनस 1। पावर क्या आ गई इस पे, 0 आ गई। अब देखो कंप्लीट पे पावर 0 है, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा, लेकिन 1 को हम बाद में लिखेंगे, स्टेप टू स्टेप आपको पहले चलना है। हम सीधा ही यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, 3 पावर माइनस 1 को राइट करेंगे 1 बाई 3, इसको राइट करेंगे 1 बाई 5 और इस ए सॉरी 1 बाई 4 और इसको राइट करेंगे 1 बाई 5, फिर कंप्लीट पे पावर 0। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 60, 3 से डिवाइड करो 20 टाइम, 4 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम और 5 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम। कंप्लीट पे पावर 0 है। अब इनका सम ऑफ आप करो, 27 प्लस 20 47 बाई 60, ये पावर इस पे 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अब आपके पास, 1। इस प्रकार से आपको यहाँ स्टेप टू स्टेप चलना है, इसके बाद आंसर राइट करनी है। इसी का लास्ट क्वेश्चन है 4th वाला, 5th है, -2/3 पावर है -2, अगेन पावर इसके अंदर है 2। फर्स्ट तो ये पावर यहाँ पे इंटू हो जाएगी, 2 2 जाए -4, तो -2/3 पावर कितनी आ जाएगी, -4। अब इस पावर को आप प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस में पावर प्लस में कन्वर्ट होगी, तो जो इसका बेस है बेस का बाई इनवर्स हम कर देंगे तो इसको 3/2, तो -3/2 पावर कितनी आ जाएगी, 4। 4 पावर है तो इसको 4 टाइम इंटू 3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। अब इसका 4 टाइम इंटू करें देखो तो माइनस है, और यहाँ जो पावर है वो किसमें, इवन है, इवन टाइम है, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में। आंसर आपको प्लस में लेके आना, 3 3 जै 9 9 3 जै 27 27 3 जै 81, यहाँ से आ जाएगा 81/2 2 जै 4 16। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएंगे, 81/16। तो इन क्वेश्चनों को आपको होमवर्क में भी नोट करना है और जो आपकी नोटबुक है उसमें भी करना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की आप। ये आपके कल कल में ये कंप्लीट हो चुकी रहेगी नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस इनकी करते रहो क्वेश्चन।